मैं इसको ओपन करूँ। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, सभी लोग जो लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। खुशबू शर्मा, श्वेता सूर्यवंशी, अमित रॉय, शिवम कुमार, दीप शिखा चौधरी, अंकित दिवाकर, सभी को गुड इवनिंग। लता विश्वास नमस्कार, सभी को नमस्कार। जैसा कि आज बताया हुआ था, कोई बात ना करते हुए सीधे एवरेज पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है एवरेज में, बड़ा चैप्टर है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सीखने हैं। एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, 30 सेकंड का काम आप कर दो, 3 घंटे का मैं करूंगा, ठीक है? बहुत जल्दी आप शेयर करें। पुलकित राजपूत गुड इवनिंग, रजनी यादव, रागिनी यादव गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। सभी लोग अब ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ, क्योंकि एवरेज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा है कि शेयर करने में 30 सेकंड का टाइम आपको और है, आप शेयर करें। और आज का टॉपिक जो रखा गया था वो आर एस अग्रवाल की बुक से लिया गया था, नवीन बुक जो सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है आर एस अग्रवाल की, उस बुक से लिया गया हुआ है। सभी लोग बुक को सामने रखें, ओपन करके बैठें। शगुन चौधरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए एवरेज के बारे में क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का बेसिक हमें पता होना चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसमें छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान रखना है, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि एवरेज अभी किताब नहीं उठानी है, अभी हमें इसका बेसिक देखना है और अभी इसका हमें जो देखना है वो नॉर्मल नॉलेज देखना है, स्टार्टिंग देखनी है कि कहाँ से करना है। तो स्टार्टिंग देखने के लिए एवरेज के बारे में एक शब्द लिखना चाहूँगा कि एवरेज का मतलब होता है बीच में। एवरेज का मतलब होता है बीच में, किसी भी चीज़ को उसका बीच का हिस्सा आप पता कर लीजिए, आपको एवरेज का नॉलेज लग जाएगा, आपको एवरेज के बारे में पता चल जाएगा। तो एवरेज जो होता है वो बीच में होता है। अब एवरेज बीच में कैसा होता है इसको देखने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि एवरेज के बारे में, देखिए एवरेज में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है किसी भी संख्या का एवरेज निकालना, फिर उसके बाद में होता है उसका योग करना, सम करना, फिर उसके बाद में कई तरीके की आपको एवरेज की बात की जाती है, वर्गों का योग, घनों का योग, घनों का एवरेज, वर्गों का एवरेज, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बेसिक पहले देखते हैं। मेरे पास कुछ संख्याएं हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग करता हूं मैं नेचुरल नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और वो तुरंत आंसर देखना भेजना शुरू कर देंगे उधर से। औसत के बारे में एक बहुत ही बुजुर्ग फार्मूला है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, बुजुर्ग है, चलता चला आ रहा है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हम आज इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि फार्मूले तो मुझे पसंद नहीं है, ना देना पसंद है ना सिखाना पसंद है किसी भी तरीके से। अब हमारे पास एक सीरीज दे रखी हुई है जो कि कह रही है 1, 2, 3, 4, 5, इसका आप एवरेज निकालिए। तो औसत निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यही सिखाया जाता था कि 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्याएँ हैं, 5 संख्याएँ हैं। आप इसे जोड़ेंगे, 3, 3, 6, 4, 10 और 5, 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एवरेज यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि एवरेज बीच में होता है, कहीं पर दिखाई देता है कहीं पर दिखाई नहीं देता है, दिखाई दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि एवरेज बीच में होता है, बीच में होता है, बीच में ढूंढिए उसको, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि एवरेज कौन क्या आया, 3 आया, और 3 एवरेज कहाँ मिल रहा है आपको, बीच में। जब एवरेज आपको बीच में मिल रहा है तो आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके सिस्टमेटिक और सीरियल वाइज नंबर्स दिए हों तो बीच वाली संख्या को आप एवरेज लगा देंगे, और ऐसा कब करेंगे, जब संख्याओं के बीच के गैप बराबर होते हैं।
अब देखो एवरेज के बारे में बहुत सारी बातें हमें सीखनी है, बहुत सारी बातें जाननी है, बहुत कुछ जानना है कि एवरेज क्या होता है। हम जिस कॉन्सेप्ट पर एवरेज को पढ़ेंगे वो एवरेज औसत फार्मूले से नहीं चलेगा, वो बीच वाले रूल से चलेगा। और एक रूल और याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर लेकर के चलना। कोई मुझसे छोटा है उसको देकर बराबर करो, कोई मुझसे बड़ा है उससे आप मांग कर बराबर करो। यानी कि अगर आप सभी लोग बराबर हो जाएंगे उस परिस्थिति को हम एवरेज कहते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, लंबा चैप्टर जाने वाला है, सभी लोग ध्यान दें। बलवीर सिंह, शुभमदीप, सभी को गुड इवनिंग। अब देखो करना क्या है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। मैं इन सभी स्टूडेंट्स से कहूँ कि आपके पॉकेट में जितने भी रुपए हैं आप सब निकाल के मुझे दो, तो हो सकता है किसी के पास 0 हो, किसी के पास 50 हो, किसी के पास 100 हो, किसी के पास 180 हो, किसी के पास 500 हो, किसी के पास 1000 हो, और हो सकता है किसी के पास 2000 भी हो, किसी के पास 5000 भी हो। इस तरह से मुझे स्टूडेंट मिलेंगे जिनके पास पॉकेट में कुछ भी पैसा हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 50 हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, एवरेज का मतलब समझ में आ जाएगा। ये चीज़ अगर आप समझ में आपके आ गई तो इसको पाने के लिए आप परेशान हो सकते हैं और इसको सीखने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है तो एवरेज का बड़ा से बड़ा सवाल आपके पास आता है तो आप उसको विद इन सेकेंड कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैंने क्या किया, इन सभी से पैसे इकट्ठे शुरू किए। इसने कहा कि मेरे पास है ही नहीं, इसने 50, इसने 100, 180, 500, 5000, 2000, 1000, ऐसे करके 50 के 50 बच्चों ने मुझे जो है रुपये देना स्टार्ट किया। और मैंने उन रुपये को एक जगह इकट्ठा किया और फिर मैंने क्या किया, एक ऐसी संख्या ढूंढने का प्रयास किया। मैंने उन रुपए को 50 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। मेरे पास मान लीजिए जो भी रुपए आए उन सभी रुपए को मैंने इकट्ठा किया और 50 से भाग दे दिया कि सभी बच्चों को बराबर बराबर रुपए मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 280 रुपए एवरेज आया, एवरेज 280 आया, एक बच्चे को 280 मिले। आप ध्यान से देखिए, इसने कितने रुपए दिए थे, 0, इसको भी कितने मिले, 180 मिले। इसने कितने रुपए दिए थे, 50, इसको भी कितने मिले, 280 मिला। इसने 180 दिया था, इसको भी 280 मिला। जिसने 100 रुपए दिए थे उसे भी 280 मिले, जिसने 1000 रुपए दिए थे उसे भी 280 मिले, जिसने 500 दिए थे उसे भी 280, जिसने 5000 दिए थे उसे भी 280, और जिसने 2000 दिए थे उसे भी 280 मिले। तो ये जो हमारा एवरेज होता है ये यही कहलाता है कि सबको बराबर लेके चलना। एवरेज का मतलब होता है कि सभी को एक साथ लेकर चलना या सभी को बराबर लेके चलना। आप देखिए, 0 वाले को भी आपने अपने बराबर बैठा लिया और 5000 वाले को भी आपने अपने बराबर बैठा लिया। 5000 वाले के पास भी 280 है, 0 वाले के पास भी 280 है। तो एवरेज हमें क्या सिखाता है, एवरेज हमें सिखाता है कि जो छोटा है उसको आप हेल्प करें, उसको दें और उसको भी अपने बराबर में बैठाएं, जो बड़ा है उससे आप लें और उसके बराबर हो जाएं। यानी कि सभी को एक समान लेने की परिस्थिति को हम एवरेज का नाम देते हैं। अब आगे चलते हैं इसमें। एवरेज में अभी मैंने आपको जो बताया वो नेचुरल नंबर्स का एक एग्जांपल दिया था कि नेचुरल नंबर का एग्जांपल क्या होता है, उसको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेंगे आरएस अग्रवाल की बुक से। देखिए, एवरेज के बारे में कहा जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा 1, 2, 3, 4, 5, इनका एवरेज निकालना है। तो आप जब इनका एवरेज निकालेंगे आप देखेंगे कि इनके बीच में गैप बराबर है, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता होगा कि सर बीच वाली संख्या अगर नहीं होती, 5 नहीं होता तो क्या होता, 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास 5 नहीं है, अब हम बीच की संख्या क्या निकालेंगे, तो इस कंडीशन में बीच की संख्या को निकालने के लिए 2 और 3 के बीच में 2.5 जो होता है वो बीच में आता है। नहीं तो आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज होगा बीच में ही, आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए और नहीं ढूंढ सकते हैं तो मत ढूंढिए। एवरेज कभी भी मिलेगा तो आपको बीच में मिलेगा। बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर संख्याएं सीरियल में नहीं होंगी तो क्या होगा, अभी उसको भी यहाँ पे देखेंगे। हम एवरेज का एवरेज निकालेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, देखते हैं एवरेज का एवरेज कहाँ से निकलता है। तो आप क्या करेंगे, पहले सीरियल वाला समझ लिए, फिर बिना सीरियल का भी मैं आपको समझाऊंगा कि बिना सीरियल वाली संख्याओं का भी एवरेज कैसे निकालते हैं।
अब देखो यहां पर आपने देखा, ये तो नेचुरल की सीरीज हो गई। नेचुरल की सीरीज में आपने एवरेज को देखा बीच में। अगर नेचुरल की सीरीज नहीं होती, इवन नंबर की होती, 2, 4, 6, 8, 10, इस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, एवरेज को बिल्कुल बीच में देखना है, क्योंकि यहाँ पे गैप बराबर है। यहाँ गैप 2 का है, यहाँ गैप 2 का है, यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। जब गैप बराबर होता है तो एवरेज सदैव बीच में होता है। दो संख्याएं इधर छोड़ दो, दो संख्याएं इधर छोड़ दो, इसमें मार्क लगा दो, यही आंसर है आपका। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या करें, ऐसी आपको कोई नीड नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर इसमें भी आपको लगता है कि सर संख्याएं 4 होती, 2, 4, 6, 8, तो भाई 4 और 6 के बीच में कौन आता है, 5 आता है, 5 आंसर होगा। हमें बीच का सिर्फ देखना है। अब 4 और 6 को जोड़िए, अगर आप बीच का भी नहीं देख पा रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 2 से भाग करिए। 4 और 6, 10, 10 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। 10 को 2 से भाग करेंगे, 5 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी के बाद अब हमारी एक आती है विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, आप देख रहे हैं गैप बराबर है। यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है और यहां भी 2 का गैप है। जब गैप बराबर होते हैं, जब अंतर बराबर होता है तो एवरेज सदैव बीच में होता है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि 4 संख्याएं होती, 1, 3, 5, 7, तो हमारे 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है, ये हमारा एवरेज होता। और अगर ये आप नहीं देख पा रहे हैं तो 3 और 5 को जोड़िए, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 को 2 से भाग करेंगे तो भी 4 आंसर आएगा। तो एक नजरिया होता है देख के आंसर देने का, और एक होता है कि हम इसी को अगर सॉल्व करें औसत के फॉर्मूले से, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1, 3, 5, 7, 9 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 3, 1, 4, 5, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर 5 आएगा, और यहाँ आप देख के आंसर 5 लगाएंगे। तो औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। ये नज़रिया आपको बनाना पड़ेगा कि औसत बीच में होता है। तो ये तो कुछ जानकारी मैंने आपको छोटी सी दे दी औसत की, कि बीच में होता है। अब औसत अगर आपसे बड़ी संख्याओं का पूछा जाता है, अभी तो ये छोटी छोटी संख्याएं थी, 5 संख्याएं दे दी, 7 संख्याएं दे दी, 11 संख्याएं दे दी, अगर आपसे कुछ बड़ी संख्याओं का पूछा जाता है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का औसत बताएं। अब देखो 1 से 100 तक आपसे सभी प्राकृतिक संख्या का औसत पूछ रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाना है, 100 तक जाना है। अब इनका औसत हमें बताना है, तो आप किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल ना करें, कोई फार्मूला नहीं चाहिए। मैंने कहा औसत हमेशा बीच में होता है, और बीच वाली संख्या को निकालने के लिए 2 किनारे वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखिए कभी भी याद रखना, मैं एग्जाम्पल यहां से नहीं दूंगा इसका, तो मैं सीधे आंसर दे रहा हूं आपको, मैं आपको एक अनोखा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 10, 20, 30, 30, 60, 40, 100, 50, 150 और 60, 210, 210, ठीक है। संख्याएं कितनी हैं हमारी, 6 संख्याएं हैं, हम इसको क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से काटेंगे, 35, आंसर 35 आया। आप देखिए इधर से 3 संख्याएं, इधर से 3 संख्याएं, इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, 35 आएगा। लेकिन एक तरीका इसमें और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़िए, 60 और 10, 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो भी 35 आएगा। कभी भी अगर सीरियल वाइज संख्याएं हैं उनमें अगर आपको बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर को जोड़िए और 2 से भाग करिए, आपको एवरेज हमेशा मिल जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा नंबर 100 है, 1 में 100 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 101, और 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 50.5, जैसा कि बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिया है। तो जब बड़ी संख्याओं में एवरेज आपको निकालना हो, एक सीरीज में आपको आंसर निकालना हो, तो आराम से आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, आपका एवरेज निकल आएगा। देखिए आज थोड़ा सा स्पीड में भी रखूंगा मैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, अगर मैं इसको स्लो पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी बोरियत होगी, इसको जल्दी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के सीरीज में आपसे कह दिया जाए
एक से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। अब देखिए, आपसे सम कहा गया है, आप कहोगे सर 100, एक तो सम संख्या होती नहीं है, लेकिन कहेगा एक ही आपसे, वो एक ही कहेगा, वो इसलिए कहेगा कि वो जानता है ना कि आप गलती करोगे, इसलिए एक कहेगा। तो सम संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप एक से नहीं लेंगे, आप दो से लेंगे, क्योंकि एक जो ऑड नंबर होता है और उसने इवन नंबर की बात की है, सम संख्या की बात की है, यानी कि इवन नंबर की बात की है, 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ऐसे करके आपको 100 तक जाना है और इनका औसत निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 100 है, 2 + 100/2 = 102/2 आंसर आ जाएगा 51। और ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्लास 1 क्लास 2 का भी बच्चा जानता है, 2 और 100 को जोड़ेंगे तो 102 होगा और 2 से भाग करेंगे तो 51 होगा। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट तरीके से करिए और स्मार्ट तरीके से आंसर देने का प्रयास करें। तो ये रहा आपका। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे, औसत पे तो हमने बात कर ली, अब हम जरा योग पर बात कर लें और योग पर बात करने के बाद में सीधे हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन आंसर पे, आर्य अग्रवाल के। अब देखिए, मुझसे ये कहा जाए कि 2, 4, 6 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहा जाए कि इन संख्याओं का योग करें, का योग करें, इनको जोड़ के बताएं। एक एग्जांपल मैं आपको सरल सा लेके बताता हूं कि एवरेज में आपसे ये कहा जाएगा कि इन संख्याओं का योग करें। तो भाई जब इनका आप योग करोगे तो आप इन्हें जोड़ोगे, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 39, 45 आप कहोगे कि सर इसका आंसर 45 आएगा, और बिल्कुल सही आंसर 45 ही आएगा। लेकिन भाई मेरे जब आपसे इसी क्वेश्चन को कहेगा कि 1 से लेकर 141 तक सभी संख्याओं का योग करो, तो क्या 1 to 141 संख्याओं को आप काउंट करेंगे, सम करेंगे, योग करेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आने वाला है कि जब कभी ऐसी संख्या आ जाए तो आप औसत निकालिए और जितनी संख्या हो उतने से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। औसत निकालने के लिए पहली संख्या 1 है, आखिरी संख्या 9 है, 9 और 1 = 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10। और इसको 2 से भाग करेंगे तो 5 क्या आ गया, औसत, ये आ गया औसत। मैंने कहा औसत की संख्याओं की संख्या से गुणा करिए, संख्याएं कितनी है 9, 9 से गुणा करेंगे 45 आंसर। इसी प्रकार जब आपसे कहा जाएगा 1 से 100 तक सभी संख्या का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक लेके जाएंगे, 100 तक, औसत नहीं, योग ज्ञात करना है आपको, सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो जब आप इसका योग निकालेंगे तो सबसे पहले आप इसका औसत निकालेंगे और औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 और 100 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 101/2 यानी कि 50.50। ये आपका क्या आ गया, ये आपका औसत आ गया, लेकिन निकालना है योग। संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, 100 संख्याएं होती हैं, 100 से गुणा कर दो 50 आंसर। यहां पर n वाले फार्मूले की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत से लोग n फार्मूला लगाते हैं, जितना टाइप उतने फार्मूले, क्या जरूरत है। पुलकित राजपूत, मिनी चौधरी, खुशबू शर्मा, दीपशिखा चौधरी, खुशबू बिक्कू यादव, सभी का आंसर सेम है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या जरूरत है हमें इतना ज्यादा n के फार्मूले याद करने की, सीधा सीधा पता है, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के आधा करेंगे औसत आएगा, और कितने नंबर उसने बोले हैं उतने से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब सभी लोग क्या करेंगे, एवरेज की बुक अपने सामने रखेंगे, ये थोड़ा सा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बाकी के कॉन्सेप्ट मैं क्या करूंगा आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही बताता चलूंगा। एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नवीन जो कि स्टैंडर्ड बुक है आर.एस. अग्रवाल की, मैंने आपसे कहा था छोटी बुक कभी ना लिया करें आप, सबसे नवीन स्टैंडर्ड बुक को लिया करें। 50.50 एवरेज का योग 50-50, बिल्कुल मनमोहन सिंह यही होगा। एवरेज को क्या होता है, एवरेज को संख्याओं की संख्या से गुणा कर देते हैं, डायरेक्टली वही निकल के आ जाता है। सर PDF भेज दीजिए, अब तो नहीं भेजी जा सकती है क्योंकि अब हम लाइव हैं, पहले आपने कहा होता तो मैं भेज देता, कोई नहीं, आप क्वेश्चन देखिए आपको बता दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है,
कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है, जिसमें से पहली संख्या है 76, नेक्स्ट है 48, नेक्स्ट है 88 है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, अगर गलत है तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, 70 है और शायद 68 है, मिसप्रिंट की वजह से पहले क्वेश्चन। इस वाले को जरा, जिनके पास बुक है इसको चेक करके बताओ ये कितना नंबर है, जो लोग बुक भर के लेकर बैठे हुए हैं वो बताएं कि ये कितना है नंबर। सर कमेंट पर ध्यान दें, कमेंट में आपके आंसर में पूरे देख रहा हूं। चौंसठ है, ठीक है, 64। इससे रिलेटेड मैं अपने पास से भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये वो है जो कि यहाँ पर दिया नहीं गया है। संध्या शर्मा, सर बुक नहीं है हमारे पास, कोई नहीं, आप क्वेश्चन देखिए सर, इंग्लिश बुक वाली के क्वेश्चन सेम नहीं है। देखिए आप क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बुक नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब कभी भी आप लोगों ने मुझसे बुक के बारे में जिक्र किया, हालांकि बुक से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आर एस अग्रवाल एक बेहतरीन बुक है, कई बार आप लोगों को मैंने बताया है, और स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताया है, इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा अलग हो जाता है, इंग्लिश में ये स्टैंडर्ड बुक भी और स्टैंडर्ड हो जाती है, तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं या बदल भी जाते हैं, थोड़े और लेवल अलग लेवल के हो जाते हैं, बट बाकी लोगों का सही होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सर कमेंट पर ध्यान दें, कमेंट पर ध्यान देने की कम ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन चल नहीं रहा है, ना ही मैंने आपको क्वेश्चन दिए ना आंसर लिए हैं, और रह के बाद प्रॉब्लम्स वो क्लास के बाद में, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आप बोलना चाहते हो जिसको मैं ध्यान दूं, नोटिस करूं, बिल्कुल दूंगा, टाइम दूंगा आपको कि अब आप बोलिएगा। चलिए इधर ध्यान से देखिए, इन वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा जिनमें अटपटी संख्याएं होंगी, तो आप इनको घटते या बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे आप इनको जोड़ के घटा के विभाग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, सर 88 की जगह 84 है, ठीक है 84 ये हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे, इनमें आप जोड़ के इनको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितनी संख्या है, 3 3 6 से भाग कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि उस वाली टेक्नोलॉजी को आप हटाइए, आप इसको सबसे छोटी संख्या बताइए, आप कहेंगे सर 48 है, इसके बाद छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 64 है, फिर आपकी संख्या है फिर 70, इसके बाद 76, और उसके बाद में फिर 84 है। सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये इस तरह से आपकी चलने लगेंगी। आप लोग को पीडीएफ भी सेंड कर दी गई है, चाणक एकेडमी के एप्लीकेशन पे पीडीएफ डाल दी गई है, जिनको भी चाहिए वो ले लें, और साथ में ये पीडीएफ अभी आपके ये चैनल पे भी डाल दी जाएगी, चाणक एकेडमी के चैनल उस पे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी जाएगी, आप वहां भी चेक कर लें, एक मिनट में आपको मिल जाएगी। जिनके पास हमारा चैनल नहीं है वो सर्च करें चाणक्य MBD, चाणक्य MBD सर्च करिए, ज्वाइन करिए, आपको तुरंत वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 68 होगा आंसर, बहुत बढ़िया है। तो देखो यहां पर करना क्या है, आपको जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप 48 को ही मान लो कि यही एवरेज है, इतने ही एवरेज मान लो। अब इनके बीच का गैप देखो आप कितना है, यहां 14 2 16 का गैप है, यहां पे गैप देखो कितना है, गैप के हिसाब से भी आप गैप को जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं, जबकि 68 आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं रोक के बड़े क्वेश्चनों पे चलने की कोशिश करूंगा, इस पे आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, बाकी लोग भी आंसर दे दिया करो, क्वेश्चन लिखा हुआ है 68, कई लोग का आंसर आया हुआ है 68 होगा आंसर, ठीक है। जीरो लेवल क्वेश्चन है, मेरा प्रयास यह है कि लास्ट वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है पहले हम उन पे काम करने के लिए वहां तक पहुंच जाएं। अगला क्वेश्चन है 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, 100 धन पूर्णांक क्या होते हैं, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक औसत निकालना है, ये लास्ट नंबर या फर्स्ट नंबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 101 2 से डिवाइड करेंगे, 50.5 आंसर है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 9 अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स का एवरेज, अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। बहुत से लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था या जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में नंबर पढ़ाया था और जब मैं आपको प्राइम नंबर पढ़ा रहा था, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे
ये प्राइम नंबर पढ़ाते समय मैंने आपको स्पेशल नोट में लिखवाया हुआ है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है और एवरेज 11 से ही 1/9 होता है। अगर फिर भी नहीं ध्यान है तो आप ध्यान दें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये 9 संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, 13, 41, 17, 58, 19, 77, 73 और 23, 100। इनका सम कितना आया, 100। और जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 11 सही 1/9 एवरेज हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्या फाइंड, ये तो आप डायरेक्टली याद रखो। मैं सभी को नोट में भी लिखवाता हूँ, जब क्लास में आपको पढ़ाया होगा सभी को बताया होगा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर 23 तक होती हैं, अंतिम 23 होगी 9 में और पहली 2 होगी, नवी संख्या 23 होगी। इनको जब जोड़ा जाएगा, कभी कभी इनका योग भी पूछता है, तो योग कितना होगा, 100, और योग को जब संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, जो मैंने आपको शुरुआती बेस सिखाया है थोड़ा सा, उस बेस का आप इस्तेमाल करके क्या करेंगे, आप सीधे मुझे आंसर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्राकृत, आंसर जल्दी लिखना शुरू करो, संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है आपको। जो भी लोग देख रहे हैं वो आंसर बहुत जल्दी भेजें, क्योंकि आपको बेसिक दिया जा चुका है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। 10 संख्याएं अगर आपको लेनी है ना, तो आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गए 10 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इनका एवरेज अगर आपको निकालना है तो ये रही पहली संख्या, ये रही अंतिम संख्या, 20 और 2 22, 22 को 2 से भाग करेंगे, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बहुत से लोगों ने 11 की लाइन लगा दी हुई है, बहुत अच्छा, सभी का आंसर 11 आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्या, पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 99, औसत निकालना है इसका। बहुत सही, सचिन सैनी का आंसर 50 आ चुका हुआ है। ये रहा 1, ये रहा 99, 99 और 1 100, 100 को जब 2 से भाग करेंगे 50 आंसर आएगा। 51 जो लोग आंसर दे रहे हैं गलत आंसर है, ध्यान दीजिए, 100 में 1 नहीं जोड़ना था, 100 विषम कहाँ है, 100 तो सम संख्या है ना, तो हमें 99 तक लेना था, हमें 100 को नहीं लेना था, क्योंकि यहाँ क्लियर आपको कहा गया है ऑड नंबर लेना है, विषम संख्या लेना है। अगर आप 100 लेते हैं तो आप फिर विषम की जगह सम भी ले रहे हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, पचास तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। पचास तक सभी सम संख्याओं का औसत बताएं। अब 50 तक सभी सम लेनी है तो पहली 2 हो गई, अंतिम 50 हो गई, 1 से मत ले लेना, वो बस यही तो देखना चाहता है कि आप 1 से लोगे कि 2 से लोगे। तो 50 देखना है तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 50, 50 और 2 52/2, 26 आपका आंसर। कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत आसानी से आंसर आपको निकल के आ गया 26। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 के प्रथम गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज जानते हो, मल्टीपल्स, 3 के 5 मल्टीपल्स का आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो 3 के प्रथम गुणज क्या होते हैं, 3, 6, 9, 12 15, और इनका एवरेज कहाँ होगा,
बीच में, नौ आपका आंसर है। एवरेज कहाँ होता है? बीच में। जब गैप बराबर चलता है तो एवरेज बीच में होता है। तो ये रहा आपके तीन के प्रथम पांच गुणजों का औसत कितना है? नौ है, क्योंकि यहाँ भी तीन का गैप है, यहाँ भी तीन का गैप है, यहाँ भी तीन का गैप है और यहाँ भी तीन का गैप है। जब गैप बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होता है, तो हम बीच वाली संख्या को एवरेज मान लेते हैं और वही एवरेज होता है। सभी का भी आंसर वही आ रहा है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों वर्गों और घनों का भी होल्ड करिएगा, उसको बाद में देखेंगे, उसका तरीका अलग है, उसका कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25A प्लस 25B, 25A प्लस 25B, 25B बराबर 115, तो AB का औसत कितना है? तो AB का औसत कितना है? देखिए, सवाल में एक बहुत बड़ी गलती आप क्या करते हैं, वो गलती क्या है, उसको सुधारने की जरूरत है। आप यहां से 25 को कॉमन लीजिए, 25 कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी बराबर 115। अब a प्लस बी बराबर आप क्या करेंगे, 115 डिवाइड बाय 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम, 5 से 2 3, यह आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 5, 23 डिवाइड बाय 5। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसको करेंगे, चार डालेंगे इसको, 5 से 4 बार में 20, फिर डेसिमल लगाएंगे 0.6, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4.6। लेकिन ये a प्लस बी है, प्लस का मतलब ये योग है, योग है ये, और योग को जब आप दो संख्याएं हैं तो दो से भाग करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा 2.3। बहुत से लोग 4.6 को भी आंसर लगा देंगे, तो वो आपको नहीं करना है, 4.6 को आंसर नहीं लगाना है। इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि ये a प्लस बी है, ये योग है, ये सम है, और एवरेज निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड करना होता है। तो सम यानी कि 4.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.3 हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पांच संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? यहां से थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो, पांच संख्याओं का औसत 10 है, जिनको पता है किताब है वो आंसर फेंकना शुरू करें। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए, पांच संख्याओं का औसत 10 है, तो योग कितना होगा, 5 × 10 = 50, 5 × 10 = 50, और वो ये कह रहा है कि इसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो कितने हो जाएगा, 12 हो जाए। जब एक संख्या और जोड़ देंगे तो नया योग क्या निकल के आएगा? देखिए, आपके पास पांच संख्याएं थी और आपने इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक संख्या और जोड़ देंगे तो अब आपके पास संख्याएं पांच की जगह 6 हो जाएंगी और औसत 12 हो जाएगा, 12 × 72। तो आप देखिए, 50 घटाया 72 में से तो आपने कितना जोड़ दिया, 22। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आप एग्जाम में ये कहोगे कि 5 × 10 = 50 और 12 × 6 = 72, 72 − 50 = 22 आपका आंसर। यानी कि 12 कैसे हो गया, 12 6 संख्याओं का है, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या गुणा औसत योग कहलाता है, औसत गुणा संख्या योग कहलाता है। औसत कितना है, 10, संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 × 10 योग कितना आया, 50। बाद में योग कितना आ रहा है आपका, 72, 72 घटाया तो आपकी जो नई संख्या है वो कितनी है, 22 है। अगला क्वेश्चन, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि 7, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, 33 हो, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं,
तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों ने आंसर भी दे दिया है, जिन लोगों ने बीच औसत बीच में होता है इस रूल को फॉलो किया है वो आंसर इसको विद इन माइक्रोसेकेंड दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बार आपको जरूर बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे होता है। पहले बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सात क्रमागत संख्याओं में अगर आपने मान लिया पहली संख्या क्या है, पहली संख्या अगर एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होती है उससे एक बड़ी होती है। जब भी सीरियल वाइज नंबर्स होते हैं तो वो एक बड़ा होता है। तो जब आप दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या तो वो हो जाएगा 2x, तीसरी संख्या निकालेंगे आप तो वो जाएगा 3x, चौथी संख्या जब आप निकालेंगे 4x, पांचवी संख्या निकालेंगे तो 5x, छठी संख्या निकालेंगे 6x, सॉरी x+1, x+2, x+3, x+4, x+5। अब जब सातवीं संख्या आप निकालेंगे, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक था ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा x+6। ये हमारी क्या हो गई, सभी संख्याएं हो गई, ये रियल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि सात क्रमागत सीरियल वाइज हर सीरियल वाइज संख्या में एक का डिफरेंस होता है। देखिए सभी एक के डिफरेंस पर चल रही है, इनका औसत निकालने के लिए पहले इनका योग करना पड़ेगा। योग क्या होगा, इसको जोड़ेंगे x, फिर ये जोड़ेंगे x+1, फिर इसको जोड़ेंगे x+2, फिर इसको जोड़ेंगे x+3, फिर इसको जोड़ेंगे x+4, फिर इसको जोड़ेंगे x+5, और फिर इसको जोड़ेंगे x+6, सिक्स। और आप देखेंगे कितनी संख्याएं हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे और बराबर रिजल्ट आपका बुक कह रही है कि 33। सात संख्याओं का औसत कितना है, 33 है, ये आपके बुक कह रही है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6x तो हमें ये मिल गए, प्लस 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 और 6, 21, प्लस 21 डिवाइड बाई 7 बराबर 33। अब 7 की इससे गुणा हो जाएगी, 6x+21 बराबर 7 या 21, का एक बचा दो, 7 या 21 और 2, 23, ये 21 इधर आ जाएगा, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 210। और x बराबर जब 210 आ जाएगा तो आप ध्यान से देखिए कि x 210, यहाँ से 21 माइनस करेंगे तो 210, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 210 डिवाइड बाई 6, तीन से काटेंगे दो बार में, तीन से काटेंगे सात बार में, ये आ जाएगा 35। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 35, ये वाली आ गई 35, ये आ गई 36, ये वाला हमारा आ गया सात संख्याओं का है ना, 35 से तो नहीं होगा, 33 तो ये भी रह जाएगा, कुछ गड़बड़ किया होगा हमने, 7 या 21, 21 2 23, इसको जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 21, तो ये उधर जाके माइनस, ओके कुछ गलत, अच्छा 6 से डिवाइड भी तो करना था ना, 221 6 35, कहाँ पे गलत हो रहा है, 1 2 3, अच्छा एक्स 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, गलत है, थोड़ा ध्यान दे रहा है, यहाँ पे 7x होंगे, ठीक है 7 होंगे, एक मिनट रुक जाओ, 7x होंगे। अब देखो ये 7x प्लस 21 बराबर 231, 21 उधर भेजेंगे तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 210, और x बराबर 210/7, थोड़ा सा मिस्टेक था ध्यान देना, 30। तो हमें क्या मिला, देखो x बराबर 30 मिल गया, तो यानी कि x जो था वो 30 है, x+1 31, x+2 32, x+3 33, 34 35, 36। अब देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या आ गई, 36 आ गई। क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो 6 और 7 का एक मिस्टेक था कैलकुलेशन में, किसी से भी हो सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को खत्म कौन कर रहा है, ये छोटी सी लाइन, जिसने ये कहा कि औसत कहाँ होता है, बीच में होता है, उसने कहा कि सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो आप लिखिए औसत बीच में होता है, आप क्या लिखेंगे, औसत बीच में होता है। अब सात संख्याओं का औसत बीच में है तो तीन संख्याएं आगे होंगी, तीन संख्या पीछे होंगी, तो आगे वाली तीन संख्या लिखिए 34 35 36, पहले वाली तीन संख्या लिखिए 32 31
तीस। एक ये तरीका है जो सिर्फ इतने में ही आपको बता रहा है कि बड़ी संख्या 36 है, और एक ये तरीका है जो यहां से लेकर के पूरा इतना आने के बाद फिर बता रहा है कि 30 और 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि औसत बीच में होता है, और बीच में होने की वजह से ही सात संख्याओं का औसत अगर बीच में है तो जनरल सी बात है भाई, एक संख्या बीच में आ गई जो औसत है तो तीन संख्याएं आगे होंगी और तीन संख्याएं पीछे होंगी। तो आगे वाली तीन संख्याएं हमने लिख दी, हमें सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 36 मिल गई। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन। देखिए एक बात याद रखना, यहां पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन यहां से ध्यान दें, 27 है, 27 है। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 11 नंबर क्वेश्चन है ये, सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या बताएं। अब आप कह रहे हो कि एक तरफ थोड़ा सा ध्यान देना इनकी लैंग्वेज पर, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, चार क्रमागत सम संख्याओं, ये कह रहा है इवन नंबर है, सम संख्या है, और औसत कैसा है 27। तो डेफिनेटली अभी जब हम चार संख्याओं का औसत निकाल रहे थे तो मैंने आपसे क्या कहा था, जरा ध्यान से देखो, 2, 4, 6, 8, मैंने कहा कि इनका औसत निकालो, औसत बीच में होगा, तो बीच में हम कहां निकालते थे, 5। ये सम संख्याएं हैं, औसत का कैसा है, विषम। तो जब सम संख्याओं का औसत विषम आ जाए या चार संख्याओं का औसत निकालना पड़े तो बीच में ढूंढना मुश्किल होता है, 2 और 2 यहीं आ गया, बीच वाली संख्या 5 बीच में आ गई। तो आप ये जान लीजिएगा कि जो विषम संख्या दी गई है वो उनके सीरियल में कहीं दिखाई नहीं देगी। क्या आपको यहां कहीं 5 दिखाई दे रहा है जो एवरेज है, नहीं, लेकिन अगर 1, 2, 3, 4, 5 होता तो 3 दिखाई देता, अब 5 को हटा दो तो 2.5 दिखाई नहीं देगा कहीं भी इसमें। तो ये 27 जो है ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि चार संख्याओं का औसत है। तो 27 को लिखिए यहां पर, 27 के बाद क्या आएगा, 28, 27 से पहले क्या आएगा, 26। तो दो संख्याएं ये हो गई, 26 से पहले क्या आएगा, 24, और 28 के बाद क्या आएगा, 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। औसत कहां होता है, सदैव बीच में, ठीक है, औसत कहां होता है, बीच में। तो ये 27 बीच में, देखो 26 और 28 के बीच में कौन आएगा, 27। 27 के बाद जो सम संख्या होती है वो 28, 27 से पहले जो सम संख्या होती है 26। दो संख्याएं चार में ये हो गई, एक आखिरी संख्या 30 और एक इससे पहले की संख्या 24। तो बड़ी संख्या क्या है, 30 है। बहुत से लोगों का आंसर आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप आंसर ऐसे ही देते रहें। बारह नंबर क्वेश्चन हो गया, कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या ज्ञात करें। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, देखिए 5 विषम संख्याओं का औसत अगर 95 है तो जायज सी बात है कि क्रमागत, सतत का मतलब क्या होता है, क्रमागत, सीरियल वाइज, सतत को ही हम क्रमागत कहते हैं और सीरियल वाइज कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 सतत संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो वो संख्या लिख डालो भाई, बीच में 95 है, औसत बीच में होता है, तो बीच वाली संख्या तो मिल गई, दो संख्याएं बाद में, दो संख्याएं पहले, 95 के बाद 97 और 99, 95 से पहले 93 और 91, आपको मिल गई संख्याएं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, आप निकाल लीजिए इसमें। आरोही क्रम में अगर आप देखेंगे तो कौन सी संख्या होगी, अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, अगर आप घटते क्रम में देखेंगे तो चौथी संख्या 93 है, बढ़ते क्रम में देखेंगे तो चौथी संख्या 97 है, यानी कि 97 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, ABCD चार क्रमागत विषम संख्याएं, जो लोग अदर लोग देख रहे हैं, जो अन्य लोग देख रहे हैं जो कि हमसे पहले जुड़े नहीं थे, कभी आज जुड़े हुए हैं, वो लोग ध्यान दें कि आरएस अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आपके पास आरएस अग्रवाल की अगर बुक है तो आप अपने सामने रख के क्वेश्चन को देखते रहें, मैं आपको सीरियल नंबर भी बता देता हूं, ठीक है। अब देखो कहा जा रहा है कि ABCD चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ABCD चार
क्रमागत, चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है, जिसका औसत 42 है, 42 है, 42 है। बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करें, बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए मैंने कहा जब चार संख्याएं होंगी क्रमागत होंगी तो उनका एवरेज बीच में दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि औसत 42 है, लेकिन 42 तो इवन नंबर है और इन्होंने क्या कहा है ऑड नंबर, तो 42 के बाद क्या आएगा 43, इससे पहले क्या आएगा 41, इसके बाद अगली संख्या 45 और इसके बाद 39। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, चारों संख्याएं मिल गई हमें 1, 2, 3, 4, ये तो एवरेज था, एवरेज को नहीं लेना है, एवरेज सम है, संख्याएं विषम है। सर आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन नहीं है, शायद आपकी किताब का वर्जन कुछ और होगा। बिक्कू यादव आप स्टैंडर्ड नवीन वाली जो बुक है मैं उससे करा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में आता है। खुशबू शर्मा 1845, कशिश मुरादाबाद 1800, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, एक दो लोगों का अलग भी है। देखो अब इसमें करना क्या है, ये हो गई ए बी सी डी, आपसे बी और डी का गुणनफल यानी कि 41 का और 45 का गुणनफल पूछा है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, ये रहा 41 ये रहा 45, गुणा करेंगे 5 की 1 से 5, 5 की 4 से 20, यहां पर छोड़ेंगे 4 की 1 से 4, 4 चौक 16, फिर जोड़ेंगे यहां पे करेंगे 5, ये करेंगे 4, यहाँ पे 6 और 2 8 और ये 1845 आंसर देंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि गुणा को कभी भी इतना लंबा मत करिए, फर्स्ट स्टेप 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 20 और 4 24 का 4 बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये रहा आपका 1845 आंसर। 3 स्टेप में आपकी ये गुणा खत्म हो जाती है, फर्स्ट स्टेप 5 की 1 से गुणा करेंगे 5, सेकेंड ये इसकी इससे गुणा, 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 4 की 5 से गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 20 और 4 24 का 4 बचा 2, 4 चौक 16 2 18 आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को इस टाइम की क्लास पढ़ने में अच्छी लग रही है जरा एक बार कमेंट करके बताओ। आर एस अग्रवाल का है सारे क्वेश्चन, जकी अंसारी बहुत बढ़िया, आर एस अग्रवाल ही है, सभी के पास अपने अपने वर्जन की किताबें हैं। आर एस अग्रवाल में भी कई किताबें होती हैं, कुछ छोटी किताबें हैं कुछ बड़ी किताब हैं, मैं नवीन किताब की बात करता हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइप होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुझे प्रियंका धीमन ये टाइम सही है, यस सर, कितना मजा आ रहा है आप लोग है ना, आराम से घर पे बैठे हो, चाय वाय पी के खाना वाना खा के भी क्लास देख रहे हो, अच्छी बात है, आपको जहां तक सुविधा हम दे सकते हैं देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत जो है 66 है। देखो मैं आपको ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी और ई और इनका जो एवरेज है औसत है वो 66 है, 66 है। फिर आपसे ये कहा गया कि B और E का गुणनफल कितना होगा, कि B और E का गुणनफल कितना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी सी डी पांच क्रमागत सम संख्याएं, ये कैसी संख्याएं, सम, तो भाई औसत तो हमेशा 5 संख्याओं का बीच में होता है, तो ये रहा औसत। इसके बाद D वाले को अगर आप निकालेंगे तो 68, E को निकालेंगे तो 70, B को निकालेंगे 64 और A को निकालेंगे तो 62। आपसे कहा गया B और E का गुणनफल बताइए, ये B रहा और ये E रहा, 64 और 70 को निकालेंगे तो ये रहा 0, 60 का 0, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 8 56, 56 और 2 58, यानी कि 5880 आपका आंसर है, 5880 आपका आंसर है। चेक कर लेना एक बार, गुणा में कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, 0, 7 चौक 28 का 8, 7 8 56 2 58, सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 16 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, 44 80, खुशबू शर्मा गुणा सही करिए,
माना कि मेरी मैथ वीक है, इतनी भी वीक नहीं है कि मैं इतनी गुणा छोटी कम करूंगा, आप थोड़ा सा सुधार करें। 6 × 7 = 42 सही है, आपका ही सही है, हम गलत कर रहे हैं। 6 × 7 = 42, मैं 8 कर रहा था ना, तो 6 × 7 = 42, 42 × 2 = 44। अच्छा ये 5880 कौन लिख रहा था? 5880 मतलब मैंने लिखा तो आपने भी लिख दिया, थोड़ा सा चेक करना था। ठीक है, गलत है यहाँ पे, वो सही है। खुशबू शर्मा का आंसर सही है, लास्ट में 6 की 7 से गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42 और 2 = 44 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x। देखिए इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आर एस अग्रवाल की बुक थोड़ी सी सही लगती है कि ये क्वेश्चन के साथ में ऐसे क्वेश्चन देती है जहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है फ्री में। एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं, तो औसत क्या होगा ये भी कह सकता है, या औसत में क्या परिवर्तन ये होगा ये भी कह सकता है। अब मैं इस क्वेश्चन को ना करा के पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है? जो लोग समझ चुके हैं उनका आंसर आ भी रहा है, जिन लोगों को नहीं इस क्वेश्चन पता था, देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स है। एक्स कहते हैं ना, बच्चे के दिमाग में टेंशन शुरू, यार एक्स को क्या माने, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी मत करो। तुम्हें इतना पता है ना कि औसत बीच में होता है, इतना ही तुम्हारे लिए इनफ है। ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि औसत बीच में है। आप ध्यान से देखो, मेरे पास संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा था, 5 क्रमागत संख्याओं, ठीक है? क्रमागत संख्या बोला है, सम विषम नहीं बोला है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैं आपसे इसका एवरेज पूछूं तो आप कहेंगे सर 3 है, कितना है 3 है, बहुत ध्यान से देखना, आप कहेंगे इसका एवरेज कितना है 3 है। मैं कहता हूं कि अब छोड़ो जरा, हम एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, अब एवरेज बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर एवरेज है 3.5, पहले कितना था, बढ़ गया 0.5। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी याद रखना कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप एक संख्या बढ़ाते हो तो एवरेज आधा बढ़ जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी आप एक संख्या बढ़ाओगे, जो भी सीरीज हो, कितनी भी लंबी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये 5 संख्याओं की थी, 5000 संख्याओं की भी अगर सीरीज है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगली एक संख्या बढ़ाई गई है तो एवरेज 0.5 बढ़ जाएगा। और हम एक और संख्या बढ़ाते हैं 7, अब बताओ एवरेज क्या है। एक संख्या हमने और बढ़ा दी, अब 3 इधर छोड़ा, बीच में औसत आ गया 4, अब कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। यानी कि 2 संख्या बढ़ेगी तो 1 की वृद्धि, 1 संख्या बढ़ेगी तो आधे की वृद्धि, 3 संख्या बढ़ेगी 1.5 की वृद्धि, 4 संख्या बढ़ेगी 2 की वृद्धि। क्लियर, समझ में आ गया? तो यहां पर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत एक्स है, यदि अगली दो अगर ये 2 कह रहा है तो इसका आधा 1 बढ़ा दो, आपका आंसर की 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ आंसर दोगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं, इसने 2 संख्याएं बढ़ाई हैं, आप आधा बढ़ा दो 1, ये कहता 4 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, आप कहते 2 की वृद्धि हो जाएगी, ये कहता 10 संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, आप कहते 5 संख्याओं की वृद्धि हो जाएगी या 5 की वृद्धि हो जाएगी। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, जब मैंने 5 से 6 किया तो ये 3 से 3.5 हुआ, यानी कि आधा बढ़ा। 1 संख्या बढ़ाई, आधा बढ़ा, 2 संख्या बढ़ाई, 1 बढ़ गया, यानी कि जितनी संख्याएं तुम बढ़ाओगे उसका आधा एवरेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये काम आप करेंगे, उसने कहा अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि औसत 1 बढ़ जाएगा, ठीक है? कभी कभी आपको क्या कहेगा, x की जगह n दे देगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये n वन x वैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे आपके ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है m संख्याओं का औसत
का औसत एन स्क्वायर तथा एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपसे कहा कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m संख्याओं का योग क्या होगा? m संख्या का योग, योग जो होता है वो औसत से गुणा हो जाती है। देखिए संख्याएं कितनी है m, यहां पर हम ये भी कह सकते थे कि पांच संख्याओं का औसत 6 है, तो योग निकालने के आप क्या करते, 5 गुणा 6 30 करते, लेकिन अब 5 की जगह पे क्या है m, गुणा 6 की जगह पे क्या है n स्क्वायर, तो आपका क्या हो गया m n स्क्वायर, ये योग हो गया। ध्यान से देखिएगा m n स्क्वायर, अब कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n संख्याओं का योग हो जाएगा n गुणा एम स्क्वायर, n गुणा एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n एम स्क्वायर। अब इन n संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे, क्योंकि m n संख्याओं का औसत निकालना है, तो m संख्याओं का ये रहा, n संख्याओं का ये रहा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इनको लिखेंगे m n स्क्वायर ये वाला प्लस एन एम स्क्वायर ये वाला, और इसको भाग किससे करेंगे, एम एन से, क्योंकि संख्याएं क्या हैं, एम एन। अब देखो यहां से कुछ कॉमन मिलेगा आपको, एम और एन, यहां से भी क्या मिलेगा, एम और एन, तो ये कॉमन ले लो, एम एन कॉमन ले लिया, तो एम तो कॉमन चला गया, क्या बचा, एन प्लस, यहां से एन कॉमन चला गया, एम कॉमन चला गया, तो यहां पर क्या बचा, एम एम बटा m प्लस एन। देखो m प्लस एन कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, एम एन, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 4 हो तो तीसरी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है, जो लोग क्वेश्चन सुन रहे हैं आंसर भी देने का प्रयास करें। तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, 4 है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, कोचिंग ओपन हो गई क्या, प्लीज बताएं सर। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, प्रियंका धीमन अभी नहीं, अभी कोचिंग ओपन नहीं हुई है। ओके, देखिए आप लोग अपने आप में डिसाइड बहुत करते हैं कि कोचिंग ओपन हो गया है कि नहीं हो गया है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपको पढ़ाते हैं, आप कल आओ, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। आप क्वेश्चन मत करो ओपन हुआ या नहीं हुआ, इसका जवाब मत पूछो, आप आइए और ऑफिस में आके मिलिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट से ना पूछें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ऑफिस आएँ, ऑफिस में आके ये पता करें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप सेटिस्फाइड होकर ही जाएंगे, लेकिन आप उसके लिए एक बार ऑफिस आ जाइए। जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग क्लास लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, पीईटी की, एसआई के बैच की, एसटेट की, आप लोग ऑफिस में आइए, मिलिए, बात करिए, आपके लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, देखो तीन संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, मैंने मान लिया वो तीन संख्या है ए बी सी, और इनका औसत कितना है 7, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21। अब देखो भाई ये क्या कह रहे हैं कि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, यानी कि इन दो संख्याओं का औसत 4 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 8। तो कह रहा है तीसरी संख्या बताओ,
तो इसमें से इन दो संख्याओं, हमने इन दो को जोड़ा तो 8 हुआ, इन तीनों को जोड़ा तो 21 हुआ, तो इन दो को निकाल दो यहां से, 8 को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 13 आंसर है। जिन लोगों का आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या बताएं। शर्तें रखना शुरू कर दिया इन्होंने, शर्तों से लड़ाई करना बहुत आसान होता है। पहले इनकी हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। देखिए ध्यान से, तीन संख्याओं का औसत अगर 28 होगा तो 3 × 28 कितना हो जाएगा, 84, 8 × 24 देखिए, ठीक है 84। अब इसमें आगे की बातें क्या कही जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। आगे आपसे कहा जा रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो तीन संख्याएं ए बी और सी, हमें यही नहीं पता है कि वो संख्याएं क्या हैं, तो उनकी शर्त को ध्यान से सुनिए कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और फिर कह रहा है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहले इसकी शर्त देख लो, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो यानी कि ये x है तो ये 2x है। पहली वाली लाइन क्लियर हुई है या नहीं हुई कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, आपको आधी दिखाई दे रही है। फिर कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, इसका दुगना कितना होगा बताओ, 4x, और इन सभी को जोड़ के कितना हो रहा है 84, जोड़िए इनको 4, 2, 6 और 1, 7, 7x = 84, तो x = 84/7 यानी कि 12। आपसे क्या पूछा गया है कि तो तीसरी संख्या बताइए, 12 की 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 48। अब आप कहेंगे सर गुणा क्यों किया, क्योंकि बड़ी संख्या है 4x और x की वैल्यू है 12, तो x की वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 × 4 = 48 आपका आंसर आएगा। कुछ लोगों ने आंसर दिया है बहुत ही अच्छा। 20 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद पांच संख्याओं का योग कितना है, 240 है। यह भी एक क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिखवा देता हूं। इन्होंने कहा पांच संख्याओं का योग यानी कि पांच संख्याएं जोड़ी जाएं, इन पांच संख्याओं को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 240। ये मैं आपको क्वेश्चन लिखने के लिए बता रहा हूं, वरना मैं इतना लिखता भी नहीं हूं, ना लिखने का प्रयास करवाता हूं आप लोगों से, सीधा आंसर पे हम चलते हैं। तो इन पांच संख्याओं का योग कितना है, 240 है। फिर कहा गया कि पहली दो संख्या का योग जो है वो औसत जो है वो 30 है, यानी कि इन दो संख्याओं का औसत अगर 30 है तो योग कितना होगा बताओ, 60 होगा। ये नोटिस करने वाली बात है, ये पॉइंट करने वाली बात है, इन दो संख्याओं का योग अगर 30 है तो औसत अगर 30 है तो योग कितना हो जाएगा, 60। अब कह रहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत जो है वो 70 है, यानी कि इन दो संख्याओं का औसत 70 है तो योग कितना हो जाएगा, 140। अब पूछा है तीसरी संख्या बताइए, यानी कि ये वाली संख्या बताओ कि ये संख्या कौन सी है, तो मुझे ये बताओ आपने पांच संख्याएं जोड़ी ए बी सी डी ई, तो कितना हुआ, आप पांच लोगों की जेब में मिला के 240 रुपए हैं। अब इन दो और इन दो के पास मिला के 140 और 60 कितना है, 200 रुपए है, यानी कि 200 रुपए चार लोगों के पास है, तो इसके पास जिसकी बात नहीं की गई है इसके पास कितना रुपए होगा, 40 रुपए होगा, इसके पास 40 रुपए होगा। ठीक है, ये रहा आपका 20 नंबर क्वेश्चन। बीस के बाद में 21 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, इसी तरह से गुणा करना है और घटाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि संख्याएं पॉइंट में है, लेकिन प्रोसेस टोटल यही रहेगा। बाईस नंबर भी यही है, पांच संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम दो संख्याओं का 81 है, अंतिम दो संख्याओं का 38 है, तो तीसरी संख्या क्या है, सेम क्वेश्चन है और सेम तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम सात संख्याओं का, जैसे वहां दो था वहां यहां सात है, हो जाएगा तो एक बार यस लिखो, नहीं होगा तो मैं कराता हूं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम सात संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम सात संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या क्या होगी, चलो मैं करा देता हूं। देखिए आपसे 13 संख्याएं बोली गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13. ये नंबर, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये वो मानी गई 13 संख्याएं हैं, ठीक है। मैं फिर भी करा देता हूँ। इनके बारे में आपसे कहा गया है कि इन 13 संख्याओं का औसत जो है वो 68 है, 68 है। तो आप क्या करेंगे, अगर 13 संख्याओं का औसत 68 है तो योग कितना होगा, गुणा 13, ये गुणा कर लेंगे हम। अब कह रहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का, यानी कि पहली जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत है 63, तो योग कितना हो जाएगा, 63 गुणा 7। अब कह रहा है कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि 7 अंतिम संख्याओं का औसत कितना है, 70 है, तो 7 से गुणा करेंगे तो इसका योग आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां कितनी संख्याओं का योग है, मात्र 13 संख्याओं का, इसको गुणा करोगे कितनी संख्याओं का योग आएगा, 13 संख्याओं का। इसे 7 से गुणा किया, कितनी संख्याओं का योग आया, 7 का। यहां भी कितनी का आया, 7 का। 7 और 7 कितनी संख्याओं का योग हुआ, 14। 14 में से 13 संख्याओं वाले के योग को घटाओगे तो ये संख्या निकल के 7 भी आएगी, क्योंकि ये दो बार जुड़ी है, इधर भी जुड़ी है, इधर भी जुड़ी है, और एक बार उसमें भी जुड़ी है, इसमें दो बार, उसमें एक बार, तो घटाएंगे तो एक बार एक्स्ट्रा वाली वहां से निकल कर आ जाएगी, यस हो जाएगा, 67 आंसर है, ठीक है। अगले 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है दो संख्याएं ए और बी का औसत 20 है, ठीक है भाई, ए प्लस बी, अगर औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, 40। फिर कहा बी और सी का औसत 19, यानी कि B प्लस सी 19 अगर औसत है तो योग कितना हो जाएगा, 38। अब कह रहा है C और A का औसत 21 है, C प्लस A को अगर करेंगे औसत 21 है तो योग कितना हो जाएगा, 42। अब आपसे कहा जा रहा है कि A का मान निकालिए, A के बारे में निकालिए, कैसे निकालेंगे A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ देंगे, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, और इनको जोड़ेंगे, 40 और 42 होता है, 42 और 38 90 और 40 80 और 40 120, शायद ये होना चाहिए, 8 2 10 का 0 बचा 1, 4 8 8 3 11 और 12, सही है। अब यहां से हम दो कॉमन लेते हैं, तो बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 120, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 120 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा, तो हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मिल गया, 60 मिल गया, 60 मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें a निकालना है, तो a b c में से b और c की वैल्यू को माइनस कर दो, b और c की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू जो है वो 38 है, तो जब माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा a बराबर 22 आंसर। अगला क्वेश्चन, छब्बीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, समूह की बात की गई है, समूह में कितने लोग हैं ये नहीं बताया गया है, औसत कितना है, 63 है, 63 है। इनमें से तीन के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं, कोई तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, इनके प्राप्तांक यानी कि मार्क इनके बताए गए हैं 78, 69 और 48, मुझे लग रहा है 48 पॉइंट कुछ दिया गया है, जरा अगर किसी के पास बुक है तो मुझे क्लियर करके बताओ कि तीसरे वाले का मार्क कितना, इसमें मिस प्रिंट बहुत है, हमारा प्रिंट थोड़ा साफ नहीं हो पाया किसी रीजन से, पहला 78 है, फिर 69 है, फिर कितना है 48 पॉइंट कुछ मुझे लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, आप मुझे बताओ कितना है, जिसके पास भी ये बुक है इस टाइप की, जो लोग इस बुक से कर रहे हैं वो मुझे बताएं कि कितना है, 48 क्लियर है कलेंदर चौहान, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि कोई डेसिमल लगाया गया, ठीक है कोई नहीं, 48 ही ले लेते हैं,
कहा गया शेष छह विद्यार्थियों के औसत बताओ। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे किया गया है कि शेष छह विद्यार्थियों का औसत बताओ, शेष छह विद्यार्थियों का औसत बताओ। देखो एक बात बताओ, तीन विद्यार्थी तो ये हो गए प्लस छह विद्यार्थी कितने हो गए, नौ। तो यानी कि ये समूह में कितने लोग हैं, नौ। तो यानी कि जो 63 औसत है ये 9 लोगों का रहा होगा, तो 9 से गुणा करेंगे योग आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो यहाँ से 9 के 3 से गुणा करेंगे 27, बचा दो 9 छक 54, 54 और 2 56, ये 567 योग आ गया कितने लोगों का, 9 लोगों का। 567 जो योग आया वो कितने लोगों का आया, 9 लोगों का आया। अब आप ये कैसे कहोगे कि सर 9 लोग थे, 9 लोग होने के लिए इसने कहा कि 3 लोगों के मार्क तो ये हैं, शेष छह विद्यार्थियों का औसत बताइए। तो शेष छह और तीन टोटल मिला के 9 हो गए, यही खास बात थी। उसने पहले समूह बोला है, उसने समूह बोला है तो हमें नहीं पता लग रहा है कितने लोग हैं, लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि लोग जो है 9 लोग हैं। अब देखो यहां से इनको जोड़िए, 8 8 16 16 और 9 16 और 9 25 का 5 बचा, 2 7 6 13 13 4 17 17 और 2 19 195। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस 195 करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और इसको डिवाइड करेंगे 6 से, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 से 6 बार में 36, 2 बार में 12, हमारा 62 आंसर हो जाएगा, 62 आंसर। सिर्फ आपसे 6 लोगों के बारे में पूछा गया था, इसीलिए इन तीन लोगों का 195 यहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि ये 9 लोगों का योग था, इसमें से इन तीनों का योग निकाल दिया, तो सिर्फ 372 जो आया वो इन 6 लोगों का योग आया, और 6 से भाग कर दिया तो सभी का औसत निकल कर आ गया 62। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, गणित में 28 छात्रों का, पढ़िए एक मिनट मैं तब तक पानी पी लूं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50 है। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले जाने पर शेष औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, विद्यालय छोड़ के जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है। देखिए इसमें यह कहा गया गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, तो योग कितना हो जाएगा, 28 छात्र थे औसत 50 था, 1400 आपका ये योग हो जाएगा। भाई 28 छात्रों में सभी के पास 50-50 थे तो योग कितना हो गया, 1400 हो गया। अब इसमें एक बात ये कही जा रही है कि इनमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए, शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। जब 28 में से नया योग अगर हम निकालें तो भाई 28 छात्र थे, 8 छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 20, और सभी के औसत में 5 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 55। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 55 की 2 से गुणा करेंगे 110 और 10 1100। अब उन 8 छात्रों का अगर हम योग निकालें, 8 छात्रों का योग निकालें तो योग कितना बनेगा, 300। और 300 को जब हम औसत में बदलेंगे तो 300 बटा 8, 2 से 4 2 से 150, 75 2 37.5 आपका आंसर रहेगा। अब देखो एक मैं आपको और खास बात बताने जा रहा हूं, 300 बटा 8 सभी ने आंसर दिया है। देखो इन टाइप के बड़े क्वेश्चनों पे, जो छोटे पीछे क्वेश्चन हो गए मेरा वो मकसद नहीं था, वो तो आप कैसे भी खींच के कर लेते हैं, मेरा मकसद था कि अब इन टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से जरा सुनना कि 28 छात्रों के गणित में प्राप्तांक 50 थे तो सभी के पास कितना हुआ, 1400। 8 छोड़ के चले गए तो ये 50 से बढ़ के कितने हो गए, 55 हो गए। अब ये 5 क्यों बढ़े होंगे, पहले इस पर हम थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को आपको मौखिक तौर से कराएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कितने बच्चे हैं, 50 हैं, सॉरी 50 एक का औसत है, बच्चे कितने हैं,
28 हैं। जो 8 बच्चे यहाँ से निकल कर गए, उन 8 के जाने से फर्क ये पड़ा कि बाकी 20 लोगों पे 5-5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 20 लोगों पे 5-5 की वृद्धि हो गई। आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो 8 लोग निकल के गए हैं, उन 8 लोगों का औसत अगर हम यहाँ से निकालें 8 × 50, तो उनके पास कितना रहा होगा, 400। आप मन में सोचिए, जब वो गए तो इनका 5 बढ़ गया, यानी कि जब वो थे उन्होंने इनसे 5 लेकर के बराबरी की थी, यानी कि वो बराबर में नहीं थे, वो इनसे छोटे थे, इनसे 5-5 लेके बराबर में आए थे और 50 के हो गए थे। तो जब 28 बच्चों में वो शामिल थे तो उनके पास 8ों के पास था 400, लेकिन जब वो गए तो इन लोगों ने जितना दिया था 20 लोगों ने 5-5 करके ले लिया। एक व्यक्ति ने 5 लिया तो 20 लोगों ने 5 × 20 = 100 ले लिया, 100 ले लिया तो बचा कितना, 300। यानी कि उन लोगों के पास टोटल 8ों के पास कितना था, 300। तो जब एवरेज निकालोगे तो 300/8 = 37.5। यहां से भी आप सोच के कर सकते हो, इतना गुणा भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखिए, लड़कों का अगर बात, लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों की, तो ये कहा गया कि इनका 80 है। लड़कों की बात की जाए तो इनका कहा गया 60 है, और टोटल सभी का मिला के देखा जाए तो कितना है, 68 है। तिरछी गुणा करिए, यहाँ बचेगा 8, 68 में से 60 गया 8, और 80 में से 68 गया 12। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 2:3, यानी कि 5 में कितना, किसके बारे में पूछा गया है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कों के बारे में पूछा गया है। सर पाई चार्ट कंप्लीट करा दो, ठीक है, देखते हैं उसको भी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लड़कों के बारे में बात की गई, लड़के कितने, 3, कितने में से, 3 और 2 5 में से, तो 3 लड़के हैं, कितने में से, 5 में से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आराम से आंसर कितना आएगा, 60%। अब आप कहोगे सर 5 कहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, 3 और 2 5, ये लड़कियाँ कितनी हैं, 2, लड़के कितने हैं, 3, 3 और 2 टोटल कितने हैं, 5, 5 में लड़के 3 है ना, तो 3/5 × 100। चलिए 30 तक क्वेश्चन करा देते हैं, 30 के बाद रोक लेते हैं, आगे कराएंगे, क्योंकि तो नाइट हो रही है, रात ज़्यादा हो रही है, और शायद आप लोग का डाटा वगैरह भी ख़त्म हो रहा होगा इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, उत्तीर्ण छात्रों का 39, अनुत्तीर्ण का 15। सीधा सीधा यही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको कराया है। 120 छात्रों के बारे में बात की गई, लेकिन यहाँ पे छात्र 120 दिए हैं, शायद आपको बांटने में दिक्कत होगी, मैं ही बांट देता हूँ। पहले आपसे कहा गया कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39, अनुत्तीर्ण होने वाले का 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए, उत्तीर्ण पास, अनुत्तीर्ण फेल। अब आपसे कहा गया कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत जो है 39 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत जो है वो 15 है, और टोटल सभी का जो है वो 35 है, तो 35 में से 15 घटाएंगे 20 बचेगा, यहाँ पे 35 घटाएंगे 39 में, तो 4 से 5 बार में, 5:1। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण वाले कितने हैं, 5 हैं, कितने में से, 6 में से, 5 पास हुए हैं 6 में से, टोटल कितने थे, 120, तो गुणा 120 से करेंगे 6 से 2 बार में, यानी कि 100 छात्र जो हैं वो पास हुए हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सुजैन अहमद, हेलो सर, ठीक है, 1400 आंसर, चलिए ध्यान से देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में 120 थे हमारे, जिनमें से 100 छात्र उत्तीर्ण हुए। अब आप कहोगे सर ये 5/6 क्या है, आप ध्यान से देखिए, उत्तीर्ण पास वाले कितने हैं, 5, अनुत्तीर्ण फेल वाले कितने हैं, 1, 5 और 1 6, 6 में से कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 5, तो हम कह सकते हैं कि 5 उत्तीर्ण हुए हैं 6 में से, और टोटल कितने थे, गुणा 120, तो 6 से काटा इसको 20 बार में,
और यहाँ कितना आ जाएगा, 500 गुणा करके 100, तो यानी कि टोटल पास कितने हुए हैं, 100 हुए हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73, समस्त विद्यार्थियों के 71.8 हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। छात्र आप सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को जल्दी बताएं। छात्राएं आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कमेंट वगैरह ध्यान दें, अब मैं आपके कमेंट पर ही बात करूंगा और आपको आंसर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप लिख के भेजिए अपने। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, और सभी का मिला के जो औसत है, जो सभी का औसत है वो मिला करके है 71.8। तो भाई यहाँ से जब 73 में से 71.8 माइनस करोगे 1.2 आएगा, 71.8 में से 71 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0.8 आएगा। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करो, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ये आपका आ गया 3:2। और आपसे पूछा जा रहा है कि छात्राओं तथा छात्रों का अनुपात कितना है, तो ये रहा आपका अनुपात 3:2। आज के लास्ट क्वेश्चन, और मैंने आपसे बोला था कि आप लोग अपनी समस्याएं लिखकर भेजें, लास्ट में आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात भी करूंगा मैं थोड़ी देर तक अभी कि आपकी समस्याएं क्या हैं। सभी लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, कोचिंग ओपन होने से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं खुल के लिखिए, बताइए क्या पूछना है आपको, और फिर उसके बाद में एक सोल्यूशन मैं कॉमन आपको दूंगा, वो आपको मानना पड़ेगा। सर DI कंप्लीट करा दीजिए, सगुन चौधरी DI कंप्लीट हो जाएगा आपका, DI की आप टेंशन मत लो। यहाँ से मैं आपको सभी को ये कहना चाहूँगा कि DI आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन DI एक इतना छोटा चैप्टर नहीं है जिसको ऑनलाइन कर देगा। DI में बहुत बड़ी समस्या आएगी, DI में चित्र बनाना पड़ता है, चित्र बनाने के साथ क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। आप ये मान के चलिए कि 10 से 10 मिनट एक DI को यहाँ पे कॉपी करने में लग जाएगा, एक चार्ट। अगर हम टेबुलेशन की बात करते हैं तो टेबुलेशन को यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो कम से कम 10 मिनट लग जाएगा टेबुलेशन को लिखने में। आप लोग उठा के देखिएगा बुक में, ये ओरिजिनल बात है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई और बात कह रहा हूँ। तो जितने भी लोग आप हैं, DI से रिलेटेड समस्या है, जो भी समस्या है, आप सीधे कोचिंग आ जाओ, यहाँ हम आपकी समस्या को सॉल्व करा देंगे। बहुत ज़्यादा रिटन वर्क नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको समझाएंगे। तो जो लोग DI की वजह से परेशान हैं, वो DI की वजह से परेशान ना हो, सर PET से पहले DI करा देना। बिल्कुल याद हो DI की, बस भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है मैंने आपको अभी मेंशन की है कि DI को यहाँ थोड़ा सा लिखने में बहुत दिक्कत है, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई अगर सोल्यूशन निकलता है तो मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। मनीष त्यागी सर PDF मिल सकती है, मनीष जी PDF के लिए आप एक काम करिए, आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ, चाणक्य MBD, आप इसको सर्च करें, ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको आज की क्लास टोटल रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, अदर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, यहाँ तक कि UPSC की भी जो क्लासेस चल रही हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। सर संडे या किसी भी डे सेंटर पर एक्स्ट्रा क्लास रख लीजिए। राखी सर हम दूर से हैं तो हमें क्लियर बता दीजिए कि कब से खुल रही है कोचिंग ऑफलाइन प्लीज। ठीक है, आप कल आ जाओ, आपके लिए कल खुली हुई है, ठीक है। आप कल आ जाओ, आप ये मत देखो मैं दूर हूँ मैं पास हूँ, आप कल से आइए। दूर वाले बच्चों के लिए भी यही मैसेज है, पास वाले बच्चों के लिए भी यही मैसेज है कि सिर्फ आप ऑफिस आइए, हमसे मिलिए, आपकी क्लास होगी, ठीक है। DI से रिलेटेड सगुन चौधरी, बिल्कुल DI से रिलेटेड ही बात करेंगे, आप लोग आइए मिलिए, हमें आपसे ज़्यादा चिंता है, इसीलिए हम रात में भी आपको पढ़ाने आ रहे हैं, दिन में भी पढ़ा रहे हैं, पूरे दिन। आज आपने देखा होगा, आज अभी कुछ दिन पहले मनोज सर की भी क्लास हुई थी और अब क्लास हो रही है, तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। पर थोड़ा सा ये है कि आप लोग ऑफिस में आइए मिलिए, DI रिलेटेड या PET से रिलेटेड, हम PET में आपका टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो टाइम पास जैसा दिखाई दे और बाद में आप मुझे भी कुछ कहें और आपका रिजल्ट भी ना हो। इसलिए आप सीरियस तैयारी करने के मकसद से आइए और बिल्कुल टाइम ना खराब करके आप कल ही आइए। और एक बात और, कल 7-12 बजे तक हम आपको यहीं मिलेंगे, ऑफिस में सर भी मिलेंगे, मैं भी मिलूँगा, आप आइए, आप
की समस्या को सॉल्व करके ही हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपको आना पड़ेगा और आप जरूर आए। सर टेलीग्राम का लिंक दे दो, ठीक है टेलीग्राम का लिंक अभी आपके कमेंट बॉक्स में पहुंच जाएगा, कोशिश करता हूं कि अभी आपके पास आ जाए टेलीग्राम का लिंक। बाकी लोग अपनी बताइए और समस्या किसकी क्या है। देखिए मैक्सिमम लोग, आप लोग एक बहुत जागरूक स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, पीटी का एग्जाम एकदम सामने पड़ा है और आप पीटी से रिलेटेड समस्याओं को लेकर परेशान हैं। लेकिन भाई समस्याएं समाप्त ऐसे नहीं होने वाली है। आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें DI पूछा गया है मैथ से रिलेटेड, GS पोर्शन भी बड़ा है। आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, मैंने आपसे कहा है सोल्यूशन आप आइए हम आपको देंगे, जैसे भी देंगे। और इसमें बहुत ही स्पीड और बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, एग्जाम कन्फर्म है कि 20 या एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। टाइम बिल्कुल ख़राब मत करिए आप, आपको कल आना है कल ही आइए आप। फिर मनीष जी, फिर आप भाई पूछ रहे हैं सब कब ओपन होंगे, आप क्या करना है कब ओपन होगा, आप आइए हमारे पास। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप हमारे पास आए, ऑफिस में आए। फिर देखिए विनीत जी, आपने एक सवाल किया कि सर कोचिंग कब ओपन हो रहा है। अरे भाई कोचिंग ओपन नहीं होगा तो क्या हुआ, बाबा जी को एग्जाम तो कराएंगे ना 20 तारीख को, उनका तो एकदम दिमाग अलग है, सनका हुआ है, इलेक्शन दिखाई दे रहा है, 20 तारीख को उन्हें एग्जाम कराना है, तो आप एग्जाम देंगे या नहीं देंगे। सेंटर खुलेगा क्या खुलेगा, ये सारी बातें आप आइए आपको यही बताया जाएगा। बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर ही आए, आपकी समस्या को सुनने के लिए ही यहां से मैं आपको बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आइए आइए और आइए, ठीक है। स्वागत है आपका चाणक्य में, ओके। देखिए सचिन सैनी जी ने कहा हम तो एक वीक से कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है, इनके कमेंट पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहे हैं आपसे। तो ठीक है आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और आपकी सारी समस्याएं भी सुन ली हैं, एक ही सलूशन दिया है कि आप आइए। ऑनलाइन से रिलेटेड जो लोग दूर हैं उनके लिए कुछ विचार किया जाएगा, क्योंकि मैंने DI ही सबसे ज़्यादा मैथ इसमें आ रहा है, और DI में मैं आपको एक अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से ही सारा DI आपको ख़त्म करा दूंगा या आप पूरी तरह से फ्रेश तरीके से DI कर लोगे। भाई बार बार वैकेंसी नहीं आती है, बार बार वैकेंसी आएगी भी नहीं, मुद्दा है चुनाव का, शायद निकल जाए और कुछ लोगों का भाग्य काम कर जाए, उन्हें नौकरी मिल जाए। इसी बार PET को क्वालिफाई करना है और इसी बार लेखपाल या और वैकेंसी जो आएंगी उन्हें क्वालिफाई करना है। तो टाइम खराब मत करो, सीधे आओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती हैं, जिन पे ऑनलाइन वर्क नहीं किया जा सकता है। हम यहाँ से पढ़ा भी देंगे ना तो तुम्हारे को समझ में भी नहीं आना है, और आ भी जाएगा तो कितने क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन करने में एक क्लास चली जाती है। DI का ऐसा कुछ तरीका ही है। ओके सर थैंक यू। ओके सर हमें पता नहीं था, हम तो पुराने स्टूडेंट हैं सेंटर के, तभी तो मैंने आपकी चिंता करते हुए आपको बताया कि जो पुराने स्टूडेंट हैं वो क्यों ये सवाल कर रहे हैं, वो तो आइए सीधे, आपका तो स्वागत है हमारे यहाँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी लेकर के आइए, उनको भी बताइए। हैव योर डिनर ऑफ द सीजन। चलिए ठीक है आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। कल मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में, जो भी आएगा उससे मुलाकात होगी। ओके बाय, गुड नाइट।